शुरू होती है कल। मुझे एक कॉल आया था, अपने कॉलेज के एक स्टूडेंट है आदर्श के, उसने मुझे कॉल किया कि मेरे पास वीआईपी पास है और भी एक्स्ट्रा पास है, तो क्या आप आना चाहेंगे। तो आई वॉज लाइक कि यार सच में मतलब ऐसा कोई बात है, आयुष्मान खुराना आ रहे हैं, तो आई वॉज लाइक कि हाँ हाँ चलो क्यों नहीं, मतलब ऐसा मूवमेंट में छोड़ने वाला हूँ। और ऑफकोर्स ब्लॉग तो आप लोगों के साथ शेयर करना ही था। Hey guys, welcome back to another video. So guys, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग हैं अभी बापू सभागार में, और अभी यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, हालांकि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है, आयुष्मान खुराना आने वाले हैं, उसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं और देखिए कि यहाँ पे क्या कुछ होता है। एंड ही कैम और फिर हम लोग को पास मिला और वी एंटर इन दी ऑडिटोरियम बापू सभागार में, एज यू नो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही क्राउड है, एंड वी हैव वीआईपी पास, हम लोग के पास वीआईपी पास था। सो वी एंटर, हम लोग ने वहाँ बैठे, फिर बहुत सारे फंक्शन, मतलब फंक्शन नहीं कहूँगा, बहुत सारे और भी कुछ प्रोग्राम हो रहे थे, बच्चे वगैरह अपना डांस कर रहे थे और जो कुछ भी हुआ फिर उसके बाद, एंड आयुष्मान खुराना वाज इन दी ऑडिटोरियम। गाइज मतलब विश्वास नहीं करोगे कि इतना मतलब आवाज हुआ, इतना साउंड हुआ है, जो साउंड यहाँ था वो यहाँ पे गया। कॉलेज में अभी भी है, सेकंड ईयर में है, इसने मुझे कॉल करके बताया कि ऐसा सा बात है, मैंने कहा कि ठीक है मैं आता हूँ, और हमने आया और दो टिकट एक्स्ट्रा हो गया तो हमने रैंडमली किसी को दे दिया। एंड या थैंक यू फॉर बताने के लिए कि आया है, तो एक अच्छा मौका मिला, अच्छा जाने का मौका मिला। खत्म हो गया और हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, और एक बार फिर से आदर्श का मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा इसकी वजह से आज आयुष्मान खुराना को हम लोग इतने नजदीक से देखे। क्यों मतलब उन्होंने डांस किया भोजपुरी गाना पे, एंड कुछ गाने भी गाए, एंड या जीतू भैया थे कोटा फैक्ट्री के वाले वो भी आए थे, तो वो उनके साथ भी मतलब आयुष्मान खुराना एंड जीतू भैया वाज लाइक बेस्ट कॉम्बिनेशन। एंड उनकी फिल्म आ रही है शुभ मंगल जयदा सावधान की प्रमोशन के लिए आए थे, एंड या ऐसी कुछ कहानी थी और मजा आया गाइस, और अच्छा लगा देख के ऐसे कोई मतलब इतने बड़े सुपरस्टार को मतलब रियल में देखना, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कभी किसी को देखते नहीं है, तो अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था।
और थैंक्स आदर्श, अगर देख रहे हो यार, तुम्हारे वजह से ये पॉसिबल हुआ, और आशा करता हूँ कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ हुआ तो जरूर मुझे याद करोगे। सो या ऐसा कुछ था एक्सपीरियंस गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो जरूर बताइए, और अगर आप भी वहाँ पे थे, मौजूद थे, तो जरूर बताइए गाइस। एंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ये ऐसे ही कैजुअल नॉर्मल ब्लॉग मुझे बनाना नहीं था, मुझे अचानक कॉल आया, देन मैं गया एंड ये सब कुछ हो पाया। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।